जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। मध्य प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और इनका परिणाम भी आ चुका है। ऐसे में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाल ही इंटरव्यू में कहा, मेरा जीतने का जो श्रेय है वो लाडली बहना योजना को जाता है, इसलिए इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा और साथ ही लाडली बहना आवास योजना भी चलता रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का अगला किस्त यानी कि सातवीं किस्त का पैसा आप लोगों को कब से मिलने वाला है और साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का पहला किस्त यानी कि 25,000 रुपए की राशि घर बनाने के लिए कब से आपके खाते में आने वाले हैं, इसको लेकर के भी बताया गया है। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको इसी तरह गवर्नमेंट योजना की पल पल की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह योजना बंद नहीं होगी, 1.33 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। दोस्तों हम आपको बताते चले कि लाडली बहना योजना का अगला किस्त का जो पैसा है यानी कि सातवीं किस्त को लेकर के काफी सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और छठी किस्त का जो पैसा है हाल ही में पिछले माह जो है मिल चुका है, जो कि 1250 रुपए सभी के खाते में भेजे गए हैं। लेकिन दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सातवीं किस्त का जो पैसा है वो आप लोगों को बढ़ाकर दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों सातवीं किस्त का जो पैसा है वो आप लोगों को 1500 रुपए यहाँ पर आपके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे और इनका डेट भी बताया गया है। दोस्तों मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का अगला किस्त का पैसा यानी कि सातवीं किस्त का पैसा वो आप लोगों को इसी माह में आने वाला है, यानी कि दोस्तों लाडली बहना योजना का पैसा आप लोगों को 10 दिसंबर को आपके खाते में ट्रांसफर होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि लाडली बहना योजना का जो भी पैसा भेजा जाता है वो 10 तारीख को ही भेजा जाता है, तो दोस्तों आप लोगों को इस बार भी लाडली बहना योजना का सातवां किस्त का पैसा 10 दिसंबर को ही भेजा जाएगा, जो कि आप लोगों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और इसी तरीके से पैसों की बढ़ोतरी होगी, फिर आगे जाकर के आप लोगों को 3000 रुपए प्रतिमाह मिलने लगेंगे। इसी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान ने बताते हुए ये भी कहा कि लाडली बहना आवास योजना का पैसा भी जल्द ही आपके खाते में आने वाले हैं। इसको लेकर के उतना खुलकर नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया कि आप लोगों के खाते में कब से आने वाले हैं। दोस्तों हम आपको बताते चले कि लाडली बहना आवास योजना का जो पैसा है वो आप लोगों को पहली किस्त के तौर पर 25,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और इसी तरीके से किस्त बाय किस्त आपके खाते में भेजे जाएंगे, जो कि धीरे धीरे आपके खाते में टोटल 2,00,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि आप लोगों को लाडली बहना आवास योजना में घर बनाने के लिए 2,00,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना आवास योजना का पहला किस्त का जो पैसा है वो आप लोगों को इसी माह के यानी कि दिसंबर माह के एंड तक आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और इस पर काम भी चल रहा है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाडली बहना आवास योजना का पहला किस्त का पैसा उन्हीं लोगों के खाते में भेजा जाएगा जिनका लिस्ट में नाम होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग लिस्ट में एक बार अपना नाम जरूर चेक कर लें, जिससे कि आपके खाते में पहला किस्त का जो पैसा है 25,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो दोस्तों लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और लिस्ट में अपना नाम देखना बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इनका इंटरफेस खुल करके आ जाता है। आपको क्या करना है, मेन मेनू वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि इस 3 लाइन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए स्टेक होल्डर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, IAY/PMAYG बेनिफिशियरी, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार खुल करके आ जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर एडवांस सर्च वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने सर्च करने के लिए ऑप्शन खुल करके आ जाता है। सिंपली जो भी आपका यहाँ पर स्टेट होगा, राज्य होगा, अपने राज्य को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश आ चुका है, मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर कौन सा जिला है, जिस भी जिला का देखना चाहते हैं या जिस भी जिला में आप रहते हैं अपने जिला को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद पेज लोडिंग लेगा, फिर उनके बाद यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है, फिर उनके बाद यहाँ पर देखिए पंचायत का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको अपना पंचायत सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर कौन सा पंचायत है। जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए स्कीम का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना।
तो सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आएंगे 2023 और 2024 देखने को मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करना है। यहाँ पर आपको सर्च वाला ऑप्शन मिलता है, इन सर्च वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे कि पूरी लिस्ट यहाँ पर खुल करके आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी आईडी देखने को मिलता है, बेनिफिशियरी का क्या नाम है वो देखने को मिलता है, फादर हस्बैंड का नेम देखने को मिलता है, बीपीएल नंबर, हाउस स्टेटस, सेक्शन नंबर, अमाउंट रिलीज, आरएस देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना नाम देखने के लिए सिंपली आप अपना यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम में देखेंगे कि आपका नाम इस लिस्ट में है या फिर नहीं है। अगर पहले लिस्ट में नहीं देखने को मिलता है तो नीचे कई सारे पेजेस हैं, दूसरे में देखेंगे, तीसरे में देखेंगे। अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको पहला किस्त का जो पैसा है 25,000 रुपये वो आपके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, और जैसे यहाँ पर आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो यहाँ पर आपके नाम के सामने अमाउंट रिलीज में अमाउंट भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।